नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ निकिता। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं सूखी अरबी मसाला की सब्जी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइन या घी में भी बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच जीरा। इसे अच्छी तरीके से क्रैकल होने देंगे, यानी इसमें अच्छे से आवाज़ आने लगेगी। इसका मतलब सरसों अच्छी तरीके से भून चुका है। अगर आप सरसों को अच्छी तरीके से नहीं भूनेंगे तो आपकी सब्ज़ी से कड़वी कड़वी टेस्ट आएगी जो कि सरसों का होगा, इसलिए सरसों को अच्छी तरीके से क्रैकल होने दीजिएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक, जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 बड़े हरी मिर्च को काट के रखा हुआ है, तो इसे भी इसमें डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप चाहें तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, एकदम धीमा, वरना इसके बाद जो हम मसाले डालेंगे वो जल जाएंगे। तो अब इसमें हम मसाले डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे सब्ज़ी में एक अच्छी कलर आए। उसके बाद डालेंगे इसमें हम 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने धनिया को भून के पीस लिया है, तो मैंने वो धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी काश्मीरी मिर्ची पाउडर, जिसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो लेकिन उसका जो तीखापन है वो ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, जिससे इसमें थोड़ी सी खटास आए और इसका जो टेस्ट है वो उसमें काफ़ी बदलाव रहेगा। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी नहीं है तो आप धनिया पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इन सारे मसालों को भूनेंगे। इसमें ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे ये मसाले अच्छी तरीके से भून जाए। और उसके बाद मैंने अरवी यहाँ पे उबाल के रखा हुआ था और इसके छिलके छील लिए थे ये, और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अगर आप इसमें कच्ची अरबी का इस्तेमाल करेंगे तो उसे कुक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप अरबी को पहले से उबाल लें 1 सीटी में और उसके बाद उसे छील लें और फिर उसे लंबे लंबे आकार में काट लें और फिर इस मसाले में अच्छी तरीके से भून लें। और उसके बाद आपकी सूखी अरबी मसाला की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। गाइज, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और अगर आप इसका टेस्ट में थोड़ा सा और चेंज लाना चाहते हैं तो आप इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। इसे आप दाल चावल, रोटी, पूरी, पराठा के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। बाय बाय।